नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला कल में हमने 3300 के लेवल लगाने के बाद बिनौला कल 3000 से 3100 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। अभी भी देख रहे हैं कि अप्रैल और मई वायदा वही 3200 के आसपास तो घूम रहे हैं, लेकिन 3200 का लेवल टच नहीं कर पा रहे हैं और हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या अब बिनौला खल में यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेवल आता है तो फिर से 3400 या 3500 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है? तो देखिए, मुझे तेजी नहीं लग रही है बिनौला खल में फिलेश। मुझे लगता है कि नीचे में 3000 का स्तर देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो रेंज बाउंड है वो ऊपर में जरूर 3200-3250 तक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार नीचे में बाजार गिर सकता है और 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। इसी के साथ रूपा जी, बात करें कॉटन की, तो कॉटन में हमने देख रहे हैं कि विदेशी मार्केट में काफी ज्यादा तेजी, विदेशी बाजार में कॉटन इस समय काफी उछाल के साथ ट्रेड कर रही है। कॉटन में देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से विदेशों में यही रुझान है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन लगातार तेजी की ओर है, तो उसका असर M6 कॉटन पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, जो विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है उसके चलते बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं। वायदे में आप देखिए कॉटन में एक अच्छा खासा उछाल है, 42,400 के आसपास हम देख रहे हैं, तो अभी हर से 43,000 तक ऊपर जा सकते हैं जी। यहीं से रूपा जी, बात करें अगर अब कैसे सीड की, तो शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार में हमने कैसे सीड को 3400 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा था। आज भी देख रहे हैं 3400 के ऊपर ही सस्टेन है। आपको क्या लगता है, क्या अब कैस्टर यहाँ से तेजी दिखाने के लिए तैयार हो चुका है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी? देखिए, कैस्टर अभी 7500 का स्तर एक्सपेक्टेड है, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, तो एक बार 7500 तक ऊपर टच हो सकता है और नीचे में मुझे लगता है कि एक बार 7780 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और ऊपर में 7500 अब संभव है कि एक बार देखने को मिल सकता है जी। ये सिर्फ जी ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, तो ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं, जैसा आपने बताया था कि तेजी बन सकती है, हमने वैसे बिल्कुल होते हुए देख रहे हैं। ग्वार गम का प्रेल वायदा देख रहे हैं 13,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, वहीं ग्वार सीड का प्रेल वायदा 6600 के ऊपर निकल चुका है, 6700 के करीब है। रूपा जी, देख रहे हैं ग्वार गम ग्वार सीड लगातार अब कंसिस्टेंसी के साथ तेजी की ओर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इस तेजी के बीच प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्ट है या फिर यहाँ से जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल तेजी का ही रुझान है और मैंने पहले भी लगातार बताया है कि ग्वार के अंदर बाइंग करके चलिए, ऊपर में 12,000 के ऊपर निकलती है तो आपको 13,000 से 15,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, 13,000 का टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर अगर 13,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको आने वाले दिनों में 15,000 तक भी ग्वार ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर सीड की बात करें तो सीड भी देखिए 6500 के ऊपर निकल चुकी है, अब यहाँ से 6800 से 7000 का स्तर सीड में भी संभव है कि देखने को मिल सकता है जी। ये सिर्फ जी मसालों की बात करें तो देख रहे हैं कि जो मसाले काफी लंबे समय से सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब उन्हीं मसालों की कीमतों ने एक यूटर्न लिया है। देख रहे हैं धनिया 12,000 के ऊपर, जीरा 22,600 के ऊपर और हल्दी 9,300 के ऊपर निकले हैं। रूपा जी, देख रहे हैं मसालों में अचानक से तेजी लौटी है, आपको क्या लगता है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग मूव है या फिर यहाँ से जो तेजी है ये कंटिन्यूस रहेगी? अब देखिए, अचानक से ये तेजी नहीं है अखिलेश, हम तो लगातार बताते आ रहे हैं कि इनके अंदर बाइंग है और आप बाइंग करके चलिए। और आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था पिछले हफ्ते की हल्दी एक अच्छा अपसाइड दे सकती है और अब आप देखिए आज हल्दी भी ऊपर में 95 के पास चलती हुई कारोबार करती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट मई में तो 95 का भी देखने को मिल चुका है और एक अच्छी रैली मसालों में जो एक्सपेक्टेड थी वही देखने को मिली है। जीरा हमने 22,500 से 23,000 का टारगेट दिया था, आप देखिए 22,700 तक जीरा भी पहुंच चुका है। अब यहाँ से 23,000-23,000 मैक्सिमम एक बार तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और धनिया भी फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है धनिया का, जिससे चलते हमने उसमें 12,000 का स्तर आता हुआ देखा है। अभी यहाँ से धनिया भी आपको 13,000 तक की तेजी दिखला सकता है, तो मैं काफी बुलिश हूँ स्पाइसेस को लेकर और मुझे लगता है कि अभी भी इनमें पोटेंशियल बाकी है और ये तेजी आगे और फर्दर कंटिन्यू रह सकती है जी। ये सिर्फ जी एडिबल ऑयल्स की बात की जाए तो सोया तेल में आपको क्या लगता है, क्या रिफाइंड सोए की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं? 1500 रुपये तो हम घरेलू में देख चुके हैं और US में भी जो कीमतें हैं लगातार तेजी की हो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सोयाबीन, US सोयाबीन फ्यूचर में $1600 के नीचे ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, 1550-60 के लेवल पर।
रूपा जी देख रहे हैं रिफाइंड तेज है लेकिन तिलहन में थोड़ी गिरावट है, ऐसे में आपको क्या लगता है सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल इनमें अब क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अभी फिलहाल जो है सोयाबीन के भाव में जरूर थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है, लेकिन आगे उम्मीद यही है कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि हाजिर मंडियों में सोयाबीन जो है वो 7200 रुपए के आसपास सस्टेन थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत उठाव आता दिखाई दिया है और 7500 के आसपास मार्केट गया है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है मार्केट और आगे चलकर रिकॉर्ड तेजी भी बन सकती है क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम है और जो सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी थोड़ा बहुत देखिए गिरावट में रह सकता है मार्केट नो डाउट, लेकिन फर्दर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि क्या सरसों को अभी स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए सरसों को अभी थोड़ा सा स्टॉक करने से बचना चाहिए, देखिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे और फिर वहां पर और कोई अपसाइड बनेगा तो वहां पर आप लेके चल सकते हैं, बाइंग करके स्टॉक करके चल सकते हैं क्योंकि अभी तो अराइवल प्रेशर के चलते थोड़ा सा हमने देखा है कि तिलहन के मार्केट के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नो डाउट अभी सिनेरियो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और तेजी बन सकती है। जी रूपा जी दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार डॉलर चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि डॉलर चने में अभी आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए अखिलेश अभी चने में थोड़ा बहुत कीमतों में सीजन के शुरुआत के में अगर देखें तो संभव है कि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है। तुअर चना इन सब की आवक लगातार हमने बढ़ती हुई देखी है और मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी दर्शक है जिनका सवाल मेंथा को लेकर आ रहे हैं, मेंथा में जानना चाह रहे हैं मेंथा में आगे कैसा रुझान रहेगा? अखिलेश मेंथा भी एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी वॉलेटाइल है और अभी हम देख रहे हैं कि 1100 के ऊपर सस्टेन है और आज भी 3% की तेजी है, तो हम यहाँ से मानकर चलिए कि 1200 तक एक बार ऊपर में वायदा जा सकता है क्योंकि अब डिमांड देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 1000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार हम देख रहे थे टेक्निकली चार्ट पर भी कि मार्केट जो 800 से 900 के दायरे में घूमता नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही 1000 के ऊपर सस्टेन हुआ है वहां से हमने देखा है कि अच्छी रैली पकड़ी है और 1150 तक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से हो सकता है आपको एक बार 1200 तक बाजार ऊपर में तेजी में जाता हुआ दिखाई दे, वहां से एक करेक्शन फिर बन सकती है। जी रूपा जी टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी मसालों में ही पोटेंशियल है, मसालों में ही खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। अभी हल्दी मुझे लगता है कि 9800 तक एक बार ऊपर जा सकती है, जीरा भी 23000 से 23500 का स्तर दिखा सकता है और वहीं ग्वार गम ग्वार सीज में भी तेजी का ही रुझान है, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है एग्री कमोडिटीज में, आप मसालों में और ग्वार में बाय करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने। देखिए पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।